अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है ना आपको एंडी लसोटा के बारे में बताएंगे। पहले हमने एंडी आईडी की वैक्सीन की थी, फिर गंबोरो की थी। एंडी आईडी जो है ना हमने वो पाँचवें छठे दिन की थी, और जो गंबोरो की थी वो तकरीबन 13 दिन का चूज़ा था। आज हमारा चूज़ा 21 दिन का हो गया है। अब इसको एंडी लसोटा की वैक्सीन हम करेंगे। ये इसलिए की जाती है कि जब ये 18-20 दिन का चूज़ा हो जाता है तो फिर इनको सांस का अर्जा लायक हो जाता है, तो फिर ये करने से वैक्सीन सांस वाला मसला जो काफ़ी हद तक हल हो जाता है, मगर उसके बाद भी एहतियाती तदाबीर करेंगे। अच्छा, ये एंडी की वैक्सीन हमने ना इसमें मिक्स कर लिया। आज हमारे पास वीडियो बनाने वाला बंदा नहीं था तो हम आपको प्रॉपर नहीं दिखा सकेंगे। आज हमारा चूज़ा जो है ना वो भी ऊपर वाले शेड में है। आज फजर की नमाज़ हमने पढ़ ली है, तकरीबन आज 16वां रोज़ा है, तो वीडियो ना बनाने वाला बंदा मिलने की वजह से हमने ये अपने ही कमरे में रखकर ये वैक्सीन तैयार की है। ठीक है ना, वैक्सीन तैयार करने के बाद आपको ये दिखा रहा हूँ, ये दूध है। इसके अंदर हमने एंडी लसोटा 2000 हमारे पास बढ़ था, तो उसका 2000 का हमने ना ये वैक्सीन मिलाकर रख लिया है। अब इसको जाकर ऊपर हम डब्बों में रखेंगे। ऊपर अंधेरा है बिल्कुल, लाइटिंग हमारी हल्की सी है, तो उसमें वीडियो में आपको ये सारा मंजर नहीं नज़र आ रहा है। ये देखें, मैं अब घर में ही बैठा हुआ हूँ। ऊपर तीसरी छत के ऊपर जो है ना हमारा ये नीचे शेड है जो छोटा सा हमने बनाया हुआ है, तो उसमें हम आपको मज़ीद बता रहे हैं कि ये हम जाके दूध वाला पानी जो है ना रख देंगे। उसके बाद जो है ना हमने पानी पहले से हमने उठा लिया है, केने सारी खाली पड़ी हुई हैं। दूध वाला पानी जो है ना हम रखेंगे इस तरह के, ये आधे घंटे के अंदर अंदर सूरज निकलने से पहले पहले ये पी लें, और सूरज निकलने से पहले ही हमने केने उठा लिए हैं। अब उसका हाल ये है कि हमने ना फीड लेनी है, सुबह अब जाते ही फीड लेकर हमने यानी कि इनको डाल देनी है। पानी उसमें पहले वाली केनों में मौजूद नहीं होगा, खाली होंगी। ये जैसे ही फीड खाएंगे इनको प्यास लगेगी, हमने फौरन ही ये वैक्सीन वाला पानी उनको रख देना है। फीड से फ़र्क होते ही जो पानी ये पियेंगे ना वो वैक्सीन वाला पी लेंगे। ये तकरीबन 20-25 मिनट में यानी कि ना सारा पानी पी लेंगे। हम तकरीबन इनको 6 लीटर पानी रखेंगे, सारों को 6 से 7 लीटर। ठीक है ना, 2 किलो ये हमारा दूध है, तो उसमें हम 5 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये तकरीबन 7 लीटर बन जाएगा। ये 20-25 मिनट में पी लेंगे। उसके बाद जो हमने ना केने उठा लेनी है, केने उठा कर हमने ना इनको अच्छी तरह से धो लेना है केनों को। फिर इनमें जो है ना, आज हमारे यहाँ खानपुर के अंदर हमारा ये शेड है जी, अंधेरी चली है सारी रात। मैंने एहतियाती तौर पर जो चूज़ा था ना वो कमरा हमारा जो हम अपने वीडियो के अंदर देखा, उसके अंदर मैंने लाइटिंग जला कर धकेल दिया था आस्ता आस्ता से, तो उसमें जो है ना फिर ये वाला, अभी जाकर हम उस बाहर पहले फीड डाल देंगे। फीड डालने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे तो ये चूज़े धड़ाधड़ खा रहे होंगे। ये दूध वाला पानी जो है ना हमने ये तैयार करके ला के ना ये रख लिया है, ये डब्बों के अंदर जो है ना हम मुंतकल कर रहे हैं। सारे डब्बों में ना ये हम लीटर लीटर, दो दो लीटर डाल देंगे, लीटर लीटर, डेढ़ लीटर। अच्छा, ये दूध वाला पानी जो है ना हमने केनों के अंदर रख लिया है, ये पूजी रहे हैं एंडी लसोटा वाला पानी। अब जो ये चूजे साइडों पे लगे हुए हैं, अब हमने इनको हिलाना है ताकि ये फटाफट जो है ना पानी अपना ख़त्म करें और कोई चूज़ा पीने वाला ना रह जाए। एक बार मैंने ऐसे ही फ्लाको एंडी लसोटा की वैक्सीन नहीं की थी भी, आज भी हमारी 2 दिन लेट हुई है, तो उसमें नुकसान हमारा हो गया था। 2000 चूज़े में से 1500 मर गया, तो उनकी डेथ हो गई थी। अब हम जो है ना वैक्सीन लाजमी करते हैं। ये चूज़े सारे ठंडा मौसम, सुबह सुबह का टाइम बेहतर रहेगा, मगरब के टाइम खा लिया करें वैक्सीन, तो ये पानी जल्दी जल्दी पी जाते हैं क्योंकि मौसम की भी शिद्दत होती है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।